दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि 25 का वर्गमूल बताइए तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल तो 5 होता है, सबको पता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 36 का बताइए तो 36 का भी आप बता देंगे कि 6 होता है। लेकिन अगर कोई संख्या आपको इस रूप में आ जाए, जैसे 2 + 2√5, इसका वर्गमूल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? या फिर कोई और संख्या, मान लीजिए 4 + 2√3, इस प्रकार की संख्या आ जाए और कहा जाए कि इसका वर्गमूल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसमें आपको इस फॉर्मेट में कोई संख्या दी रहेगी और उसका हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिखे हुए हैं। इन तीनों सवालों का हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमारा पहला सवाल क्या है, 5 + 2√6, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई, हम इसको मान लेते हैं कि x² = 5 + 2√6। अब मैंने इसको स्क्वायर बराबर क्यों माना है, क्योंकि यदि हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम स्क्वायर हटा देते हैं और इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, मतलब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हमें रूट लगा देना है, ठीक है। अब करना क्या है, तो देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप पहले समझिए, फिर इसके बाद में सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है √6, तो √6 को हम थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया √6। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया रूट, और 6 के हम टुकड़े कर दें, जैसे कि 3 × 2, तो देखिए 3 × 2 करेंगे, इसका मतलब भी √6 ही है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई √3 × √2, तब भी इसका मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। √3 × √2 करेंगे तब भी √6 आएगा, इस तरीके से लिखेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब आते हैं हमारे सवाल पर, ठीक है। तो सवाल क्या है, देखिए यहां पर रूट, यहां पर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला प्लस है, तो यहां पर हम लगा देंगे प्लस, ठीक है। इसके बाद में यहां पर 2 है, तो ये 2 लगा दिया, ठीक है। अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, √3 × √2, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि भाई इन दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो √6 ही आ जाएगा, √3 और √2, ये हमने लिख दिया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये रूट आ गया, अब ये जो 3 है, देखिए यहां पर 3 है, यदि हम 3 पर रूट लगा दें, रूट लगाएंगे तो ये √3 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर लगा दूं, तो देखिए अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 3 है, तो क्या हम इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इस 3 की जगह पर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अभी हम इसको ये क्यों लिख रहे हैं, ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से जो 2 है, इसको भी हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी समझ में आएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, प्लस 2 है, तो ये 2 और √3 × √2, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला नजर आएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। फार्मूला है a + b² यदि हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a² + b² + 2ab, ठीक है। a + b² यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो देखिए इसको हम a मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, a² इसको b मान लें तो ये b² यहाँ पर a और b यानी 2ab हो जाएगा, मतलब पूरा इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a और b का मान क्या आ जाएगा, देखिए √3 और √2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई √3 + √2 का होल
स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आ गया। अगर हम इसको छोटे रूप में लिखेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये इसी फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है इस पूरे के ऊपर है, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि रूट थ्री के ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या संख्या बचेगी, यहाँ पर ये वाली संख्या बचेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए रूट थ्री प्लस रूट टू, ऊपर वाला रूट हट गया, तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए कितना सिंपल है, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसको और समझते हैं, जिनको डाउट है वो इसको देख लीजिए, अब की बार में आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, डस्टर किधर गया। तो गाइस अब देखिए, चलिए दोस्तों अब हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा सवाल को भी यहां पर लिख लेंगे, क्या है, 7 + 2√10, ठीक है। तो इसको भी हम मान लेते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर ये है, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ से हम जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब भी यही है कि भाई हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर हमें रूट लगाना है, ठीक है। चलिए अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 7 है, क्या हम इसको 5 + 2 लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख दिया, 5 और + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 2 = 7 होता है। तो 7 को हमने 5 + 2 के फॉर्मेट में लिख लिया है, क्यों लिखा है वो अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए ये जो रूट के अंदर संख्या है 10, इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं, 5 × 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 × 2, ठीक है। हमें क्या करना था कि दोनों को 5 और 2 के फॉर्मेट में लाना था, इसको भी 5 और 2 के फॉर्मेट में, इसको भी 5 और 2 के फॉर्मेट में, इसीलिए हमने यहाँ पर 7 के टुकड़े कर दिए 5 और 2, ठीक है। यहाँ पर भी 5 और 2 आ गया, यहाँ पर भी 5 और 2 आ गया। तो हमारा जो सवाल है अब देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, 5, तो ये 5 लिख दिया, प्लस 2, प्लस यहाँ पर है 2√5। अब इनको हम रूट से अलग अलग रूट में कर देंगे, जैसे यहाँ पर √5 × √2, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी रूट 10 ही आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी रूट 10 ही आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए पिछले सवाल में हमने समझा था कि भाई जैसे √5 है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर ये 5 है, क्या इस 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी 5 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ये तो हो गया हमारा रूट, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रूट, 5 की जगह पर हम लिख देंगे √5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये 2 है तो इसको भी हम लिख देते हैं √2 का स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, प्लस 2√5 × √2, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए ये हमारा पिछले सवाल की तरह एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला है, देखिए a + b² बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस फॉर्म में है, देखिए यहाँ पर यदि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ पर a और b ये हो जाएगा, ठीक है। तो a और b के फॉर्म में ये है, तो जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, √5 और √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी हम अभी बताता हूँ किस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा रूट, अब देखिए ये a है और ये b है, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a का मान क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर ये क्या आ गया है, √5 + √2, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं x = √5 + √2, तो ये हमारा आंसर आ गया है।
तो आशा है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसको आप खुद अपने घर पर ट्राई करेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट करेंगे हमारे यूट्यूब इस वीडियो में, आप कमेंट करेंगे इसको हल करने के बाद में, ठीक है। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।